अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। ये मैं सब्जी और गोश्त बनाने लगी हूँ। ये आधा किलो के करीब गोश्त है, ये 3 अदद तोरियां हैं बड़ी, 3 ये बड़ी मिर्चे हैं और 4 अदद ये प्याज हैं दरमियाने साइज के, 1 टमाटर और ये 3-4 ये लहसुन है, ये 1 टुकड़ा अदरक का है और इसमें ये 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही रेड मिर्चें और ये 4 चम्मच बड़े दही के। और इसे मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। इसमें मैं सबसे पहले गोश्त डालूंगी और चूल्हा स्टार्ट करती हूँ। एक कप इसमें पानी डालूंगी, इसी में ये प्याज, इसके 4 पीस करके इसमें डाल दूंगी। और के अंदर ये लहसुन, ये अदरक पीस, और ये भी मसाले सारे इसमें डाल दिए। 1 कप मैंने पानी डाला है और इसको अब मैं बंद करूंगी गोश्त को जलाने के लिए। पांच मिनट के बाद इसे दोबारा खोलेंगे तो इसमें सब्जी और ये चीजें ऐड करूंगी। अब मैं ये कुकर खोलने लगी हूँ और तकरीबन गोश्त जो है वो गल गया है। अब इसमें से पानी जरा खुश्क हो ले तो फिर मैं सब्जी डालूंगी भून के। ये गोश्त गल चुका है, अब इसमें मैं ये टमाटर और सब्ज मेरे ऐड करती हूँ। ये साथ मिक्स कर दिया मैंने और इसी में आप तेल भी डाल दूंगी। बस बे जरूरत डालिए आप, जितना आपको कम या ज्यादा भी हो सकता है। अब इसे खुश्क होने देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर भून के तो सब्जी डालूंगी इसमें। ये जितनी देर में गोश्त गल रहा है उतनी देर में मैंने सब्जी काट के रख ली थी और अब ये भून के तो इसमें सब्जी ऐड करूंगी।
मैंने कुकर में से निकाल के अब कढ़ाई में डाला है कि सही तरह से मैं निकाल सकूं। अब मैं इसे भून रही हूँ। भूनने के बाद फिर मैं सब्जी डालूंगी। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे। मैं जब गोश्त बनाती हूँ तो मैं लाजमी इसमें कोई ना कोई सब्जी जरूर डालती हूँ। खाली गोश्त इतना सही नहीं होता सेहत के लिए। अब मैं इसे भून रही हूँ। तकरीबन ये भून चुका है और अब सब्जी इसमें ऐड करूंगी। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और इसके बाद मैं चूल्हा जरा हल्का कर दूंगी क्योंकि हल्की आंच पे सब्जी पकाना चाहिए। इसमें कोई पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करूंगी। ये इसी सब्जी के पानी में ही इसका थोड़ा सा वो शोरबा सा बनेगा और कंप्लीट हो जाएगा। इसे बंद करूंगी बाद में मिक्स करके अच्छी तरह। चूल्हा थोड़ा सा हल्का करूंगी। 10 पे है तो मैं इसे 4 पे कर दूंगी। 4 पे कर दिया है। अब ये हल्की आंच पे पकेगी सब्जी इसमें तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसे एक दफा चेक करते हैं। ये देखिए कितना पानी इसका निकल आया है और इसको मैंने बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस 1-2 मिनट और बस। थोड़ी 2-3 मिनट के लिए और बंद करती हूँ उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। ये सालन तैयार है। इससे ज्यादा मैंने नहीं गलानी ये सुखेती जो है और मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।
ये देखो जी, मैंने सब्जी गोश्त तैयार किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में जाकर